ये बाइक मत लो, KTM लो। 15 का भाई माइलेज भाई मतलब बोल रहा। अरे भाई इसमें तो हीटिंग वाला प्रॉब्लम है, मतलब इसमें थोड़ा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, और आप देख रहे हैं रॉकी राइडर यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ रॉकी। तो आज हम लोग आए हुए भाई कंकड़बाग में। अब किस लिए कंकड़बाग में आए मैं तुमको बता दूँ, मतलब आज एक फ्रेंड से मिलना था जो मतलब कंकड़बाग में रहता है। तो चलो उसका इंतजार करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगाता है वो मिलने में, क्योंकि भाई वो जब भी आता है भाई बहुत ज़्यादा लेट लगाता है। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। भाई आज का कंटेंट बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है, तो सबसे पहले उसका आने का इंतजार करते हैं और मिलते हैं उससे। और भाई मतलब आज उसको बहुत गुस्सा है, एक तो भाई एकदम मॉर्निंग के टाइम में वो बुला लिया है मेरे को, और भाई वो मतलब अभी तक वो नहीं पहुँचा है। तो देख लो गाइस, मतलब इस आदमी का हम उतना देर से इंतजार कर रहे थे, और हाँ सबसे पहले हाथ तो मिला लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। उतना देर से मतलब भाई, मतलब हम अभी आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं इस आदमी का, और देखो ये आदमी अभी ना रहा है। और बताओ मतलब ये इसका डेली का है? अरे नींद आ गया था यार, सो गया था। अच्छा मतलब हमको तुमने किया था यार कॉल, तुमने कॉल इसने नहीं किया था गाइस, इसने एक बार कॉल तक मेरे को नहीं किया। मैंने लोकेशन तो डिसाइड था हम लोगों का। अरे तो चलो गाइस, बस ये अपना प्यार है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब छोटे भाई में मतलब होते रहता है प्यार। तो ये अपना भाई है और इसका चैनल है स्ट्रीट आर, जाके सब्सक्राइब कर दो। और बोलो हमारे मतलब सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहते हो तुम? सब्सक्राइबर प्लीज, आप सबसे पहले जो भाई है आपके लिए हमेशा न्यू कंटेंट लाते रहते हैं, तो सबसे पहले इनके चैनल पे जाएं और हर एक वीडियो का लिंक चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आप सबको दिया हुआ रहेगा। और इसके चैनल पे जाकर आप इसका स्टोरी लगाएं, हर आप सबसे पहले इसे मेरे, मैं कहूँगा आप सबसे पहले इसे करें। तुमसे ना हो पाएगा, क्या बढ़िया था गुरु। मतलब दोनों भाई मिलजुल कर आगे बढ़ना है, और स्ट्रीट आर तुम भाई देख सकते हो, जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता भाई चैनल सब्सक्राइब करने का, जाके सब्सक्राइब करो। और आज का कंटेंट मतलब कैसा, कुछ अच्छा निकलेगा? चलो देखते हैं। चलो जो अपाची है बहुत अच्छा भाग कर लेगी। Fuck you. तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं RR 310 पे, और इसका एक छोटा सा फीचर मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो अभी एस्केलेटर मतलब पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 2 RPM है, लेकिन अब देखो बिना एस्केलेटर छुए भाई ये इसमें मतलब ऑटोमेटिक वाला क्रूज कंट्रोल तुम बोल सकते हो, लेकिन इस फीचर का नाम है TFT, जो मतलब भाई अपना अभिनव भाई ने अपने हम लोगों को बताया था। एक गियर चैलेंज करेंगे, एक गियर पे कितना जाता है और 2 गियर पे कितना जाता है, बस 2 गियर तक का चैलेंज करेंगे, अब इससे ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं बीस्ट वाला मशीन है। तो भाई तुम लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोग भाई ऐसा मशीन है तुम लोग के पास, और मतलब इससे भी हेवी अगर तुम्हारे पास मशीन है, तुम लोग भाई हम लोगों को देखकर कॉपी मत करना। और भाई ऐसा मशीन है भाई, तो मतलब जितना तुम लोग कंट्रोल कर सको बस उतना ही भगाना। तो चलो इसका एक गियर चैलेंज करते हैं। अरे भाई इसमें तो हीटिंग वाला प्रॉब्लम है, मतलब इसमें थोड़ा सा कूलेंट मेरे ख्याल से इसमें ख़त्म है। इसमें कूलेंट ख़त्म है क्या भाई? तो मतलब कूलेंट इसमें थोड़ा सा ख़त्म है, इसी कारण ये भाई नहीं भाग रहा है इन बाइक। बाकी ओवरऑल भाई अगर तुमको इस बाइक का लुक थोड़ा सा तुमको दिखा दें, तो भाई मतलब बहुत प्यारा वाला मशीन है, मतलब लाइक भाई ये न्यू ही है, मतलब बाइक में ज़्यादा हम लोगों ने कुछ करवाया नहीं है, और ये बाइक जो है भाई का है, तो सबसे पहले भाई को बहुत अच्छा प्यार वाला। और देखो भाई ऐसा मशीन है, और एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस बाइक को आप लेकर कहीं निकलते हैं तो फिर मतलब कैसा वाला मतलब फील आता है, कि मतलब कोई आदमी मुड़ के देखता कि नहीं देखता? बिल्कुल सुपर बाइक वाला है गाइस, इतना मेरे पास KTM 390 भी रहा है, बट ये जो फील देती है वो बाइक कोई नहीं देती है। 3 लाख अंडर 4 लाख मैं बोलना चाहूँगा, अंडर 4 लाख के सेगमेंट में कोई बाइक नहीं देती है ये, मतलब भाई RR 310 का भाई क्रेज है पटना में या फिर ऑल इंडिया में तुम बोल सकते हो। अगर गाइस अगर मैं बताना चाहूँगा आपको गाइस,
अगर आप ये सोच के लोगे कि फ्यूल रेंज इसकी अच्छी रहेगी, इसकी माइलेज अच्छी रहेगी, तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये बाइक आपके लिए नहीं है फिर। मतलब भाई ये डिस्क्लेमर तुमको पहले मिल चुका है कि भाई अगर तुम फ्यूल मतलब माइलेज को देखते हुए अगर इस बाइक को तुम लेना चाहते हो तो भाई मत लेना, क्योंकि भाई माइलेज कम है, क्योंकि 310 सीसी के होने के बावजूद ये मतलब जो अभी माइलेज निकाल के देती है वो कितना निकाल के देती है माइलेज ये? ये मुश्किल से कम, देखो गाइस कंपनी क्लेम करती है 30 to 35, बट आप समझ सकते हो 30 to 35 तो आपकी नॉर्मल बाइक देती होगी, ये आप समझ के आप इसके बारे में आप समझ सकते हो कि ये क्या देती होगी भाई। 30 से 35 का माइलेज देती है, तब भी देखा जाए तो 310 के हिसाब से उतना बुरा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये 30 से 35 नहीं देती है, जो कंपनी क्लेम करती है वो नहीं देती है। इसकी माइलेज आप अगर आप सुनोगे तो हंसोगे, बता दीजिए 12-15 उससे ज़्यादा 12-15 का भाई माइलेज भाई मतलब बोल रहा है, तो सोच लो मतलब भाई तुम अगर बीस्ट पालोगे तो भाई उसका खुराकी भी तुमको रखना पड़ेगा, एक बात तुम समझ सकते हो। KTM लोगे तो भाई KTM का भी खुराकी, अगर तुम अपाची लेते हो तो इसका भी खुराकी बहुत ज़्यादा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है भाई मतलब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तुमको बाइक लेने के साथ ही साथ तुमको बाइक का मेंटेनेंस का भी पूरा ध्यान रखना होगा। 310 मशीन है, इसका पिकअप आपको कैसा लगता है? पिकअप गाइस क्या अब क्या बताना है इसका पिकअप यार, तुमको क्या बता, तुम बाइक नहीं चलाए हो? हम तो चलाए, हम तो इस मतलब इस बाइक का ऑलरेडी फैन हो चुके हैं भाई। गाइस इसे 0 to 100 जाने में मुश्किल से क्या बोला जा सकता है 7 to 8 seconds, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई आपने, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका 0 to 100 जाने में 7 to 8 seconds, ठीक है? मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा। आर यू कॉमेडी मी? 7 to 8 seconds में भाई आराम से मतलब पहुंच जाएगी 0 to 100 तक में, ये 7 to 8 seconds में आराम चल जाती है। तो भाई ये था मतलब अपना अपाची RR 310। और मैं बताना चाहूँगा इसकी सीट हाइट KTM से ज़्यादा है और R15 से ज़्यादा है सीट हाइट। अगर हाँ अगर आप प्रीमियम के कंफर्ट के देखते हुए अगर आप इस बाइक को लोगे, तो अगर प्रीमियम अगर आपका ज़्यादा हाइट पर बैठने के लिए सक्षम है तो आप लो, लेकिन अगर प्रीमियम को थोड़ा चाहिए, थोड़ा लगे उसको कि मैं सेफ हूँ, तो फिर ये बाइक मत लो, KTM लो भाई। इस पर तुम मतलब अपने फैमिली में भी किसी मेंबर को बैठा सकते हो भाई, बस यही है थोड़ा सा मतलब तुमको ज़्यादा पिकअप नहीं भगाना होगा इस बाइक को, थोड़ा सा नॉर्मल चलना होगा, फिर तुम आराम से इस बाइक पे आराम से चल सकते हो। और ओवरऑल देख सकते हो भाई कितना अच्छा प्यारा वाला लुक है इस बाइक का। इसका टायर साइज भी बहुत अच्छा है, मतलब टायर जो है टायर ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है, और ये अपना बाइक है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये बाइक कैसा लगता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।